सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बेहरा में सीएम की सभा में शामिल होने आए जबलपुर के कांग्रेसियों से पुलिस ने पूछताछ की है। तिली रोड स्थित सिटी गार्डन में रुके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ कर उनके दस्तावेजों की जांच की। पुलिस का कहना है कि मेरिज गार्डन संचालक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को यहां आने और रुकवाने की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी। आचार संहिता के चलते कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है। सुबह सिटी मैरिज गार्डन में गोपालगंज पुलिस के साथ सीएसपी एमपी प्रजापति और नायब तहसीलदार पहुंचे थे। युवा कांग्रेस के जबलपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष पारस जैन ने पुलिस और प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ये क्या दिक्कत जा रही है यहाँ पर, पुलिस परेशान कर रही है आप लोगों के लिए? हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सभा को सुनने के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे सागर में, और हमारे प्रत्याशी पारुल महोदय के समर्थन में। पर सुबह सुबह जब हम लोग सो रहे थे तब एक टीम प्रशासन की आई, जो पूरे में वीडियोग्राफी की, सोते हुए लोगों को उठाया गया, उनके उसी हालत में वीडियोग्राफ्स लिए गए। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, एक एक आदमी का नाम पता पूछा गया और हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम अपराधी थे, किसी दूसरे शहर से यहाँ पर अपराध के कारण परारी काटने आए, हमारे घर ऐसा व्यवहार किया गया यहाँ पर। और पता नहीं किसके दबाव में किया गया, हम लोगों ने बताया कि अपनी चीज़ों को, उन्होंने कहा आप लोगों को बाहर जाने नहीं मिलेगा, आप लोग यहीं रहिए, आप लोगों ने गुनाह किया। गुनाह पूछने पर बताया गया कि आप लोग यहाँ पे अवैध ढंग से रुके हुए हैं, और कोई संतुष्टिकरण जवाब नहीं दिया गया और हमें प्रशासन दिया जा रहा है। आपको ये लग रहा है जैसे उपचुनाव चल रहा है अभी, तो आपको लग रहा है कि प्रशासन आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ये हमको नहीं, आम जनता को समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ये उनकी बौखलाहट है। अब दिखने लगा है चुनाव चलते हैं, 3 दिन 4 दिन का प्रचार, 2 दिन का प्रचार बचा हुआ है, तो वो अपने सभी हथकंडे अपनाएंगे कि हम लोग किसी भी तरीके से दबाव में आए, पर हम लोग दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम लोग अपना कर्म करते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सुबोध पहाड़िया। कहाँ से आए थे? जबलपुर। आपको यहाँ रोकने के लिए किसने व्यवस्था की थी? हम लोग जबलपुर गए हुए हैं, हमारे संगठन के लोगों ने व्यवस्था की थी, हमारे नगर अध्यक्ष है वहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष है वहाँ पे, उन्होंने व्यवस्था की थी, और हमारे साथ कई लोग हैं जो सीधे आगे सभा स्थल में पहुँच चुके हैं। कितने लोग थे आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पे 12-13 गाड़ियों में रह रहे हैं, मान लीजिए 40। थैंक यू। गार्डन में लोगों को काफ़ी संख्या में लोग रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ आके चेक किया गया है। सिटी में मैरिज गार्डन जो है रुकने का स्थान नहीं है, पर लोग यहाँ ठहरे थे और जानकारी ली गई जो जबलपुर से आकर ठहरे थे, तो उनको संदिग्धता के संबंध में चेकिंग की गई है और ये सूचना नहीं दी गई मैरिज। तो क्या दिक्कतें जा रही है आपके ऊपर? देखिए, ये शायद सब भूल चुके हैं, ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, ये राजाओं महाराजाओं की वसीयत का समय नहीं है, ये लोकतंत्र जनादेश की हत्या की जा रही है। हमें बस यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं, हो सकते रोकें और भी जानकारियाँ लें हमारी। आप प्रशासन चूमों का देख सकते हैं, चारों ओर प्रशासन लगा है, हम 20-25 होंगे, वो 30-40 है, वह ठीक है, जिसका जो समय है, समय पलटवार भी होता है, और आज तारीख मेरे हिसाब से 29 है और कल 10 भी आएगी और 11 भी आएगी। किस दायित्व पर हैं भाई साहब आप पार्टी में? किस दायित्व? कौन लोग हैं ये, किससे संबंधित है, क्या बता रहे हैं ये? सभा में आए हैं, लोकसभा में जा रहे हैं। किन की सभा में सर? अब जो भी सभा है आज आयोजित हो रही है। सर कितने लोग हैं कुल, कहाँ से हैं और ये लोग? ये जबलपुर से आए हैं। कितने लोग हैं सर? जबल हमें 32 लोग करीब मिले हैं। इनको हिरासत में लिया है सर? नहीं, हिरासत में ऐसा कोई कारण नहीं, हिरासत में संदिग्धता के संबंध में जाँच की गई है, तो ये ऐसा संदिग्ध पर्सन नहीं मिला, परंतु ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो लाल वाला जो है सिटी मेडिज गवर्नमेंट वाला है, उसने सूचना नहीं दिया, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।